जी, मैं सच्ची बोलूं, आपकी वजह से, लाल जी की वजह से हम जुड़े आप लोगों के साथ, और अच्छा लगा आप सभी से मिलके, सच्ची बोलूं। जी, बड़े और गरीब समुदाय वाले, मैं ज्यादा बोलता हूँ भाई, आप बोलते हो और जिसके साथ तो बोलना पड़ेगा साला सिर पे चढ़ जाता है, चक्कर तो ये है। वो गरीब है लेकिन आप इसकी इज्जत करो, ये ट्रक ड्राइवर है और लेकिन आप ये देख पैन चौधरी, इसके पास दो तीन ही डायलॉग है, यही बोली जाएगा बार बार। भैया आपको इसकी रिस्पेक्ट करनी लेडीज चाहिए, है लेडीज है, लेडीज सामने गाली गाली नहीं, लेडीज ये लेडीज पे बेशर्म है ये भी। सोनिया तुम एक जो काम करो, रात को बस पकड़ लो, सुबह तक पहुंच जाओ वहाँ पे आते टाइम। नो नो, मैं बस में नहीं जाना तो चाहती, यू नो आई एम, बस में रहेगी सारी रात। मैं तो ड्राइवर लोगों से बहुत डरती हूँ, कुछ खा पी के मेरे पे चढ़ गया झाड़ियों, पता है वहाँ पे कितनी है। हेलो झाड़ी, देखो मुझे सोनी कोई ठोके जाए मुझे उसका दुख नहीं है। जी, सोनिया जी, सोनिया किसी ने अगर मुझे पैसा नहीं दिया तो मेरी तो मैं तो आत्महत्या कर लूंगी ना। सोनिया जी, ट्रक में जाएगी क्या सोनिया? सोनिया जी आपको इनवाइट करूं मैं। हेलो, यस प्लीज, मैं इनवाइट करूं आपको। Can you talk to English? Because my mom born in Australia, but now I live in India. चुपचाप बना रही है आपको, कुछ इंग्लिश विंग्लिश नहीं है, इसकी खुद की इंग्लिश गलत है, हिंदी में बात कर चुपचाप। सोनिया ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत छोड़ यहाँ पे। एक बात बोलूं आपको, जब आप इंग्लिश की बात करो ना, आप भागसू आओ, इंग्लिश देखनी होगी तो यहाँ पे इंग्लिश देखना आप, यहाँ पे आपको हर एक इंग्लिश वाला मिलेगा, इसराइल टू हर कोई फोनर, रशियन तक, आई लव इसराइल बॉयज यार, रशियन तक खुद चाहती हूँ, रशियन तक आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है या और रशियन। आप मुझे इनवाइट करियो लेकिन आप मुझे बुलाओगे किस पे? रॉकेट भेज दो एक, वहां से मैं रॉकेट पे बैठ के आ जाऊंगी, फुर्र करके मैं उतरूंगी। सोनिया मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वॉल्वो से यहाँ पे आ जा, हम तुझे कार भेजेंगे, भैया के पास कार है, भैया कार भेजेंगे, तू यहाँ पे आ जा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। भैया हम लोग रोज पार्टी करते हैं यहाँ पे, कितने मजे करते हैं। मैं तुझे सच्ची कह रहा हूँ, और तुझे पता है कल भैया मुझे देसी घी दे रहे गाय का। वाह, देसी घी? हाँ, अल्लाह देसी घी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने भैया को कहा कि मेरे मम्मी को डॉक्टर ने बोला है देसी घी खाने के लिए, और पैसे का कोई टेंशन नहीं है, जो भी रेट होगा मैं दूंगा, लेकिन मुझे जेन्युइन प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, और भैया उन्हें एक काम कर, तो वोल्वो पकड़ ले और आते टाइम तो सुमित भाई के साथ चले जाइए। सोनिया में ये देखे किलो सुनो पड़ गई थी, अच्छा है भाई, अभी भाई दिल खुश कर दिया आपने यार। इनका नाम ट्रक ड्राइवर है, इनको भाई मत बोलो, ट्रक ड्राइवर बोलो। नहीं नहीं नहीं, आपकी बात अलग है और हमारी बात अलग है, हम गरीब बंदा है, ये जो बंदा है ना नीचे, इसकी न्यूयॉर्क में क्लब्स है, हम सभी को इज्जत देते हैं, पता क्या, लेकिन वो गरीब है, वो भिखारी, कोई बात नहीं है, मैं भी गरीब हूँ, मैं भी खाली हूँ, मैं भी तो यहाँ भीख मांग रहा हूँ होटल में बैठ के, क्या बोलते हो भैया, मैं भी होटल में बैठ के भीख मांग रहा हूँ। ये ना बातों में अमीर है, ये बातों अमीर में अमीर है, बातों नीचे बैठा है ना, गरीब न्यूयॉर्क में क्लब्स है, जो नीचे बैठा ना गोल्डी, गोल्डी भाई इसके न्यूयॉर्क में क्लब्स है, और ये जो ऊपर बैठा ना गोल्डी भाई, एक बात बोलूंगा, बोलूंगा अगर कोई पैसा मैटर रखता है ना, तो पैसा मेरे लिए कोई मैटर नहीं रखता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, पैसा पैसा जैसा भाई, मेरे मेरे मैं सही बोलूं, मैं मेरे ख्याल से भाई साहब पूछ लो, भाई साहब पूछ लो कि मैं यहाँ पे ओनर तो अलग हूँ, लेकिन मेरे पास क्या क्या है यहाँ पे, धर्मशाला में प्रॉपर्टी बनाई हुई है, बहुत प्रॉपर्टीज है। भैया मुझे इतना प्यार करते हैं, भैया ने मुझे चार बार पार्टी दी, लेकिन मैंने भैया को खुद कहा कि आज की पार्टी मेरी तरफ से, क्योंकि भैया ने मुझे चार बार इतना प्यार दिया, तो यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा भैया, ऐसा कुछ नहीं, प्रॉपर्टीज अगर प्रॉपर्टीज करना ना, तो आप कभी आप धर्मशाला आओ, मैं आपको दिखाऊंगा रोड साइड पूरा, यहाँ पे एक नीचे गांव है वहाँ पे पूरा अपना ही है, लेकिन मैं मायने रखता हूँ, पैसा मायने रखता है, जहाँ पे आप प्यार मायने रखता है ना, बिल्कुल भाई बिल्कुल, हाँ जहाँ पे प्यार मायने रखता है वहाँ पे प्रॉपर्टी मायने रखती है। ये देख दीपक, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये मेरा घर है दीपक, आपका गुड नेम क्या है भैया, मैं भूल गया, मेरा जीतू भैया, अरे भाई इंग्लिश में सी व्हाट इज योर नेम बोलते, गुड नेम क्या, शुभ नाम क्या, गुड नेम बैड नेम कुछ नहीं होता इंग्लिश में, आपका नाम क्या है? पर एक बात बोलूं, आप आओ कभी भी धर्मशाला आओ, आपको यहाँ से बाद आपको कहीं आप जाने की जरूरत नहीं है, आपको गाड़ी पिक करेगी मेरी, खुद ही पिक करेगी गाड़ी, मेरा ड्राइवर आएगा आपको लेने के लिए, और भैया आप
मुझे कहाँ पे घुमाने वाले हो आपकी कार? मैंने तो बोला कि मैं आपको यहाँ पे टी गार्डन एक बहुत बढ़िया है, और उसके बाद एक क्रेज लेक है, क्रेज लेक, और उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है यहाँ जा नहीं पाएंगे ये। हाँ वो ट्रैकिंग जो आप कह रहे थे लास्ट टाइम, हाँ वो नहीं कर पाएगा ये भैया, ये कर नहीं पाएंगे। लेकिन एक बात बोलूं, वहाँ पे हम पहुँचेंगे ना, अगर एडवांस हो गया है जी, आप पा रहे हैं। तुम कौन सी कंट्री में हो जो ये पड़ रही है बारिश? कनाडा। कनाडा में हैप्पी वही बारिश नहीं है, थप नहीं पा रहे हम। हाँ आपको बता रहे हैं, बट इस टाइम जल्दी हैप्पी जल्दी नहीं पड़ गई बर्फ इस टाइम कुछ भाई? बर्फ ऐसी है कि एक बारी पड़ेगी, बाद में अब एक महीना छोड़ के फिर ऐसे ही है, बीच में से अपना रंग दिखाता रहता है कुदरत। नहीं वैसे बर्फ पड़ने का, बट जल्दी पड़ गई। इधर पड़ेगी है कैलगरी में भी है, कैलगरी में तो मौसम अनप्रिडिक्टेबल है। हाँ भाई यहाँ पड़ जाएगी अब अगले महीने नवंबर में यहाँ पड़ जाएगी। अच्छा अच्छा, पहले यहाँ 5 दिन पहले यहाँ पे ठंडा मौसम था, इतना ठंडा पूछो ही मत। तो यहाँ पे बर्फ हटाने के लिए क्या जेसीबी कोई भैया और कटर लगते हैं वो? हाँ कटर लगेंगे जो रोड साफ करने वाले कटर होते हैं ना, बर्फ हटाते हैं वो लगेंगे, फिर तुम्हारा रोड जो है रोड ही चलेंगे, बाकी आप आसपास में पूरा बर्फ से जो आप। अच्छा भैया मैं जो मेरा रूम क्लीनिंग करता है उसको मैं 500 रुपया टिप देता हूँ, इनको ये झूठ लग रहा है, इनको सच बताओ कि मैं कितना टिप देता। पागल है क्या देता है? सच बताओ बोलता है तू? मेरी बात सुनो यार, मैं पहले बोला पैसा मायने नहीं रखता है कोई भी चीज में, अगर पैसों को मायने रखते हो ना, पैसों का मायने रखते हो ना भैया, तो मैं सच्ची बोलूं मेरे लिए पैसा मायने नहीं रखता है। आ जाओ फेंकता हूँ, आ जाओ पेटीएम कर दीपक ऐसे हो गया कनाडा में, ये देख ट्रक आ गया, वो देख पक्का डन रहा। हाँ पक्का। अरे ट्रक ड्राइवर तू चुप बैठ साले, चुपचाप ट्रक चला। ये पाइप तेरी गांड में डाल दूंगा, देख कितनी बड़ी पाइप है ये पाइप भी पिछवाड़े में डाल और मजे से घोप। ठीक है सुनो, मैं कल आ ये जो है ना, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ट्रक ड्राइवर वहाँ पे ट्रक चला रहा है और इसकी माँ बहन पंजाब में चूत रही है, अच्छी बात है बताओ। ऐसे मत बोल दीपक, अभी जीतू भाई के साथ बैठा है, ऐसे मत बोल। मैं भी ये चाहता हूँ कि पता क्या, बहुत बहन के लौड़े क्या होते हैं किसी के साथ ना, मुझे पसंद है ऐसे थोड़ा, कोई अम्मा चूत जाती है या ऐसे कोई सड़क पे आ जाती है ऐसे बहन के लौड़े, बहन के लौड़े बहुत बहन के लौड़े ऐसे किसने देखा ये बताओ, आज तक बहन के लौड़े किसने देखा है प्लीज यार। एक्चुअली पता क्या सोनी जी, एक बात सुनो, नॉट एक्सपेक्टेड फॉर लाइफ फॉर दिस थिंग, ये चीज मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि पता क्या अगर आप किसी के लिए माँ बहुत मायने रखती है, डिस्कस्टिंग आप की बहन होगी, मेकिंग इज वेरी डिस्कस्टिंग। गाली मत दो यार, ये भी तो बेचारा मेहनत ही कर रहा है। प्लीज भाई सॉरी, मैं इस डिस्कस में मैं नहीं पढ़ूंगा। ओके बाय, ठीक है देख वो कितने अच्छे है, माँ बहन पे आ जाता तू, अच्छा बन थोड़ा सा जिंदगी में, कुछ बड़ा करो बहन चो, गरीब लोग। अच्छा तुम कनाडा में रहते हो, कौन सी कंट्री में कनाडा में? कितनी अनपढ़ है यार ये, कितनी अनपढ़ है यार ये। कनाडा खुद एक कंट्री है सोनिया, क्या बात कर रही है। मैंने कहा कनाडा में कहाँ रहते हो? कैलगरी में रहता हूँ, कैलगरी अल्बर्टा। क्योंकि मेरी फ्रेंड्स हैं जो मेरी अच्छी अच्छी जो हाई फॉलोअर्स पीपल्स हैं लिव इन कनाडा। ओके रियली, तो कनाडा ही, आई एम नॉट सी फर्स्ट टाइम इन कनाडा, लॉट्स ऑफ टाइम आई वाज वाचिंग कनाडा, तो बाकी कनाडा ऐसे दिखा रही हो जैसे पता नहीं लंदन के बुर्ज खलीफा पे पहुंच गए हो। लंदन में बुर्ज खलीफा कहाँ से आ गया? मतलब दुबई के बुर्ज खलीफा में। ए रज्जी हुई आज सोनिया, रज्जी हुई है पूरी टाइट है कमर में। पी दीपक लाल रहा है, नशा तुझे हो गया सोनिया। मुझे तो नशा तब हो गया था जब मेरे को पता लगा क्या कोई इंडिया से थोड़ा सा ठंडा हुआ है, ओनर ने झिड़का ना, ओनर ने डांटा थोड़ा सा साला, अब टिका थोड़ा सा बैठा आराम से। बताओ बताओ देख इसकी, अब देख गरीब आदमी की देख, अरे मुझे अंदर ही अंदर रो रहा है, अंदर ही अंदर रो रहा साला, डांट दिया ओनर ने, डांट दिया उधर ने मुझे डांटा, उन्होंने कहा कि आप वो ट्रक ड्राइवर को गलत मत बोलो, मुझे पसंद नहीं है, आप उसकी रिस्पेक्ट करो, उन्होंने मुझे अच्छी बात बोल रहे हैं, अच्छी बात ही बोल रहे हैं दीपक। देखो तुम्हें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि देखो ये हमारी
ट्रक ईंटों को लाद के लेके आते हैं, हमारा घर बनाते हैं, तो यू डोंट रिस्पेक्ट फॉर दिस पर्सन। देखो तुम्हें गरीब लोग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कॉल मत करो ये डिस्कशन में। हाँ, आप उसकी बहन की इज्जत करो, मुझे ओनर ने ऐसे कहा। बिल्कुल, तो फिर बाकी करेंगे ना तेरी भी इज्जत। मैंने उनको कहा कि ये ट्रक ड्राइवर को गाली दो, उन्होंने कहा प्लीज आप उसकी रिस्पेक्ट करो, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ओनर ने ऐसे कहा। हाँ, थोड़ा सा सीखा क्योंकि वो ऑनर का जिंदगी में। तुम्हारे गोल प्यार के बंदे को बोलता था ना, तो अभी तक बहुत गाली देता था, लेकिन हिमाचली लोग बहुत ही डिसेंट और सोफेस्टिकेटेड है वो लोग। right. पता चल गया अब। अभी ये तो नहीं भूलता तू किसान ना। मैंने उनको सर इंडिया कब आओगे, मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, वो इंडिया से लोग आ जाते हैं मिलने, क्या जरूरत है। ये बात है, लेकिन वो अच्छा इंसान है। लेकिन गोल्डी तुमने तो मुझे कहा था कि मैं तेरे लिए वो भेजूंगा वीजा वगैरह, तो मैं बुलाऊंगा। तुमने तो मुझे एक बार क्यों नहीं बुलाया सोनिया? तो जाना वीजा ऑफिस, लगवा वीजा। सोनिया सुनो, तुम वॉल्वो करके यहाँ पे आ जाओ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं और मेरे ओनर हम दोनों। सोनिया अभी तो चंडीगढ़ में, दिल्ली में है। मैं यार कल ही पहुंची हूँ चंडीगढ़ ना, क्योंकि यहाँ पे हैलोवीन पार्टी। चंडीगढ़ से तो बहुत पास है यार। नहीं नहीं, 6 hours कंपेयर देन दिल्ली तो पास ही है, तो फ्लाइट करवा देंगे। ये वहाँ भी फ्लाइट ही जाती है, फ्लाइट तो है। अरे जाती है, छोटा सा एयरपोर्ट है, बहुत महंगी होती है। मुझे फ्लाइट 40,000 में पड़ी, 40,000। छोटी फ्लाइट है, यहाँ पे 20-25 लोग बैठते, बहुत महंगी होती है। मैं खुद यहाँ पे फ्लाइट से आया हूँ, क्योंकि मुझे तो एक दिन का खर्चा है, ट्रैवल करना पसंद नहीं है। तो मैंने 40,000 की टिकट ली थी। और मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप पे दिखा सकता हूँ। प्राइस कितने लोग हैं जो अब रोस्टिंग लाइफ में ऐड होना चाहते हैं, वो जल्दी से नीचे कमेंट करो। आज मैं सबकी अम्मा बहन ठोकने वाली हूँ। आज तू पैगल आया पक्का सोनी है, तभी तो मैं चीज खा रही थी। तेरा पैगल आया तो मोटे वाला कोई। नो, मोटा में एक ही चीज लेनी है। भैया हैप्पी भी अंदर चले जाओ, ठंड लग जाएगी। नहीं नहीं, इतनी नहीं ठंड यार, वैसे ही वधिया नजारा बाहर। अरे यार, ये